Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your terrible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. भारत से पंगा लेना खालिस्तानियों को पड़ गया है भारी। जिस तरीके से भारत की खुफिया एजेंसियां चुन चुन के खालिस्तानियों को सफाया कर रही हैं, उससे ये साफ हो गया है कि ये आखिरी लड़ाई है जिसमें खालिस्तानियों की हार तय है। तो अब मोदी सरकार ने जिस तरह से कनाडा में खालिस्तानियों के नाक में दम कर दिया है, ठीक उसी प्रकार से अब भारत में भी खालिस्तानियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हरदीप सिंह निज्जर ये वही व्यक्ति है जो भारत पर लगातार जहर उगलता आया है और भारत के टुकड़े करने की बात कनाडा से करता आया है। लगातार भारतीयों और भारत के लोगों को थट देता है। अब इसी को हाल में कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियों से भून दिया था, मगर ट्रूडो ने इसका आरोप भारत पर लगा दिया है और भारत की सरकार पर लगा दिया है और कहा है कि भारत ने इस कैनेडियन सिटीजन की हत्या करवाई है। एक बात और, जिस व्यक्ति को ये लोग कह रहे हैं कि कनाडा का सिटीजन है, वो दरअसल भारत से फोर्ज डॉक्यूमेंट लेकर के कनाडा में गया था। अब क्या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ये भी नहीं जानती है, या फिर ट्रूडो ने ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया है और अपनी पार्टी की रेपुटेशन को बचाने के लिए किया है? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का अलायंस जगमीत सिंह संधू की पार्टी से है। इसी जगमीत की पार्टी से ट्रूडो की पार्टी सत्ता में बनी हुई है और इसी जगमीत के तार खालिस्तानियों से भी जुड़े हुए हैं। तो अब बात समझ आएगी आपको, क्योंकि इस बंदे ने अपने हाथ ट्रूडो से खींच लिए तो उनकी सरकार गिर जाएगी। मगर निज्जर के साथी और खालिस्तानी नेता गुरपंत सिंह पन्नू अब भारत सरकार के रडार पर आ गया है। ये बंदा अक्सर सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है और भारत को तोड़ने की साजिश करता रहता है। अब ये भी भारत सरकार के रडार पर आ गया है। पिछले दिनों पता चला है कि ये बंदा कार एक्सीडेंट में मारा गया था, मगर बाद में ये UN की बिल्डिंग के सामने इसने अपनी फ़ोटो शेयर की और कहा कि मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, ये व्यक्ति भी भारत से ही है और अब खालिस्तानियों का प्रमुख नेता है, मगर अब सरकार ने ठान लिया है कि भारत में इसका जितना भी पैसा और कारोबार चलता है उसको ठप करने का वक्त आ चुका है। हाल ही में जगपत सिंह पन्नू उर्फ गुरपंत पन्नू की प्रॉपर्टी को NIA ने जब्त कर लिया है। NIA ने और भी इसके जितने भी कारोबार भारत में चलते हैं उसको बंद करने का निर्णय लिया है। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से NIA ने चंडीगढ़ में पन्नू की एक कोठी को जब्त किया है। अब दोस्तों देखना होगा कि कनाडा और इंडिया के बीच ये टेंशन कब तक चलते हैं, क्योंकि भारत में एक बहुत ही पावरफुल प्रधानमंत्री है, पावरफुल गवर्नमेंट है, जनता का समर्थन है, इसलिए दुनिया में कोई भी इसका सीधा मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए भारत पीछे हटने वाला नहीं है और खास बात यह है कि इस बार सरकार को सभी पार्टीज का सपोर्ट भी मिल रहा है। यहाँ तक कांग्रेस ने खुला समर्थन मोदी सरकार को दे दिया है। पंजाब की सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी इसका खुला समर्थन किया है। तो दोस्तों, और भी अपडेट हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए। मिलते हैं अगली बार एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।